स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं चंद्र प्रकाश और आप देखना शुरू कर दिए हैं क्रेस्ट फोरम का ऑनलाइन वीडियो। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी। इसमें हम लोग टॉपिक वाइज सॉल्यूशंस कर रहे हैं अपने पेपर्स के जो आए हुए हैं प्रीवियसली, और इस तरीके से अगर आप टॉपिक एक एक टॉपिक क्लियर करते हुए चलेंगे तो आपके सारे पेपर्स हो जाएंगे और कहीं ना कहीं आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। तो आज हम करने वाले हैं 3-फेज इंडक्शन मशीन। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 4 क्वेश्चन पूरे इस टॉपिक से रहे हैं। लखनऊ मेट्रो का पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, मेंटेनर शिफ्ट 2 2018 का। तो पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। मैंने आपको वैसे भी तरकीब बताई है कि आप लोग अपने लिए ना सेपरेट सेपरेट पेजेस बना लीजिए या कॉपी बना लीजिए। कॉपीज तो अपनी तो अदरवाइज बहुत हो जाएंगी। आप एक ना पेजेस बना लीजिए कि 3-फेज इंडक्शन मशीन का पेज अलग, ट्रांसफार्मर का अलग। तो उसमें कुछ भी, जैसे मैं ट्रांसफार्मर के और भी पेपर के टॉपिक कराऊंगा तो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं तो लिख लिया, मशीन का कोई डीसी मशीन का इंपॉर्टेंट आया तो वहाँ लिख लिया, इनमें मिक्स नहीं किया। तो क्या होगा, जब आपका पेपर होगा तो आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक के अलग अलग के कहीं ना कहीं इकट्ठे मिल जाएंगे आप लोगों को, ठीक है। तो मैं ये हर वीडियो में आपको बात बताता हूँ। खैर, अभी हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन जो इंडक्शन मशीन से जो इन लोगों ने पूछा है वो है कि फ्रेम किसका बना हुआ होता है। अब आप देखिए बड़े ध्यान से, आप लोग इस चीज़ को देखिए। मैंने आपकी स्क्रीन पे इसका देखिए आंसर आप देख लीजिए। स्क्रीन पे मैंने साफ लिखवा रखा हुआ है कि फ्रेम देखिए इंडक्शन मोटर का किसका बनता है, क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन। किसका बनता है फ्रेम, क्लोज्ड ग्रेन। देखिए ये मटेरियल का नाम है, इसमें अभी मैं इंग्लिश हिंदी तो क्या ही करूँ, कास्ट आयरन को तो डलवा लोहा बोलते हैं, तो क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन। तो इससे क्या होता है कि मटेरियल की परमिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है, मतलब मटेरियल के अंदर फ्लक्स गुजरने की जो क्षमता है बहुत बढ़ जाती है। तो फ्रेम बनता है क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन से। स्लिप रिंग बनती है फॉस्फर ब्रॉन्ज से। देखिए ये बहुत बहुत हर अपने आप में एक चीज़ का क्वेश्चन बनता है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं कहने के लिए ये 4 क्वेश्चन होंगे बट इसके अंदर की बहुत क्वेश्चन करा दूंगा। शाफ्ट एल्यूमिनियम या कार्बन स्टील की बनती है, हाई स्पीड स्टील की भी बन जाती है, वो बात एक ही होती है। लुब्रिकेंट जो यूज़ होता है, जो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन को, घर्षण को कम करता है, वो ग्रीस से हम लोग करते हैं। और स्टेटर का कोर जो बनता है वो सिलिकॉन स्टील का बनता है। तो आपके पास इस तरीके से इन पांचों मटेरियल के नाम आपके उस पेपर पे लिख जाने चाहिए टॉपिक वाइज, तो उससे आपको क्लैरिटी आएगी कि और क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें खास इस टॉपिक से थ्योरी ही मोस्टली पूछी है, वैसे तो देखिए दो न्यूमेरिकल भी पूछे हुए हैं। फिलहाल अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए वो पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि रिजल्टेंट फ्लक्स, जो परिणामी फ्लक्स किसी भी चरण निरोध कारण फ्लक्स उत्तम अधिकतम मान किसके गुणा होता है, ठीक है। वो पूछ रहा है कि जो ये 3-फेज इंडक्शन मोटर है, मैं मशीन, ठीक है, इसमें हम लोग 3-फेज सप्लाई देते हैं इनपुट में। भाई किसी भी मोटर को मैं बात कर रहा हूँ, 3-फेज इंडक्शन मोटर की 3-फेज सप्लाई देते हैं हम इसमें, मोटर में तो सप्लाई देंगे। तो यहाँ पर एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है जो ns स्पीड से घूम रहा होता है। ns स्पीड क्या होती है, 120 f/p, मतलब कि ns स्पीड क्या होगी, जो यहाँ पर हम 3-फेज सप्लाई में फ्रिक्वेंसी लगाए हैं वो और नंबर ऑफ पोल पर डिपेंड करेगी, वही होगी ns स्पीड। ns स्पीड माने सिंक्रोनस स्पीड, तुल्यकालिक स्पीड। तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड होती है ns, वो होती है 120 f/p। और अगर हम बात करते हैं कि ये जो ns स्पीड है रोटर rmf की, जो ns स्पीड है, ये जो rmf की ns स्पीड है, ये ns स्पीड RMF की किस पर डिपेंड करती है, सवाल पेपर में आ जाता है, फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ पोल पे। और इस RMF का जो फ्लक्स का मान होता है, इस RMF का जो FIR रिजल्टेंट परिणामी फ्लक्स, रिजल्टेंट फ्लक्स का जो मान होता है
वो जो सप्लाई का जो उच्चतम फ्लक्स है उसके 1.5 गुना ज्यादा होता है, ये एक डेरिवेशन के बाद निकल के आता है परिणामी फ्लक्स। तो जब हम लोग डिटेल में कोर्स कर रहे होते हैं तो इस डेरिवेशन को करते भी हैं, बट आप बहरहाल ये समझिए कि जो रिजल्टेंट परिणामी फ्लक्स है वो 1.5 गुना ज्यादा होता है मेन फ्लक्स के, जो हम सप्लाई में, जो हम सप्लाई दे रहे हैं, सप्लाई में जो यहाँ पर सप्लाई की वजह से जो फ्लक्स पैदा होगा उच्चतम फ्लक्स, उसके 1.5 गुना ज्यादा होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन विल बी योर आंसर। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अभी देखिए एक क्वेश्चन इससे भी है, इस न्यूमेरिकल से भी है एक क्वेश्चन, ठीक है, ये मैं मिटा देता हूँ, इसको रहने देता हूँ। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये बोल रहा है वो क्या कह रहा है, रोटर धारा की आवृत्ति कितनी होगी। अब देखिए यहाँ पर ये रोटर लगा रहता है, जब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इस रोटर को, रोटर अपने आप में क्या है, कंडक्टर है, चालक है, क्योंकि इसके अंदर आर्मेचर डले रहते हैं, तो इसके अंदर कंडक्शन यहाँ पर खांचे बना के चालक डले रहते हैं। तो जब ये चालक तो स्थिर है रोटर स्टार्ट, जब हम मोटर स्टार्टिंग में चलाएंगे तो चालक कहीं ना कहीं ऊपर स्थिर ही होगा रोटर पे, रोटर थोड़ी चल रहा है अभी स्टार्टिंग में, मोटर चलाइए तो एकदम से थोड़ी चल जाएगी, मोटर चलने में टाइम लेगी थोड़ा सा। तो ये पहले क्या बनती है, पहले रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जब ये रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इन चालक को काटती है तो इन चालक में EMF पैदा होता है, और क्योंकि ये चालक शॉर्ट होते हैं एंड में, रोटर के अंत में ये शॉर्ट हो रहे होते हैं एंड रिंग द्वारा, किसके द्वारा, पेपर में पूछता है, एंड रिंग द्वारा जो रोटर है, रोटर एंड में शॉर्टेड होता है, रोटर के चालक शॉर्ट होते हैं, रोटर के कंडक्टर एंड में शॉर्ट होते हैं एंड रिंग द्वारा। तो ये एंड रिंग द्वारा जो शॉर्ट होते हैं, तो क्या होता है जब शॉर्ट होते हैं तो क्लोज कनेक्शन बन जाता है, कनेक्शन कहीं ना कहीं पूरा हो जाता है, तो यहाँ पर करंट भी फ्लो होने लगता है। तो पेपर में सवाल क्या पूछा है वो सुनिए, इस EMF और इस करंट की फ्रिक्वेंसी क्या होगी। तो मैं मान लेता हूँ कि ये E2 है, ये I2 है, जो रोटर में पैदा हो रहा है वो E2 है या I2 है। तो जो रोटर के EMF है और जो रोटर का करंट है, तो वो उसकी भी तो अपनी कोई फ्रिक्वेंसी होगी, रोटर फ्रिक्वेंसी, भाई जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिकल की तो अपनी कोई फ्रिक्वेंसी होगी, जो EMF पैदा हुआ है वो डिपेंड करती है SFS पे, मतलब स्लिप गुणा सप्लाई फ्रिक्वेंसी। FS क्या है, जो ये सप्लाई में हमने फ्रिक्वेंसी दी है वो, उस पर डिपेंड करती है। तो आंसर क्या रहेगा, पहला ऑप्शन विल बी द आंसर। तो जो आप सप्लाई में फ्रिक्वेंसी दिए हैं उसके स्लिप गुणा टाइम्स फ्रिक्वेंसी होगी यहाँ के करंट और यहाँ के पैदा हुए EMF, ठीक है। अब देखिए इसी पे बेस्ड अगला न्यूमेरिकल इन्होंने पूछा हुआ है, इन्होंने कहा, देखिए मैं मिटा देता हूँ उसको, नए पोर्शन को, क्योंकि अभी इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है। बोल रहा है एक इलेक्ट्रिक इंडक्शन मोटर है, रन करती है, एक मोटर है रन कर रही है 290 RPM पे। अब आप एक चीज़ देखिए, मोटर रन कर रही है तो मोटर में रन क्या करता है, स्टेटर थोड़ी रन करता है, रोटर ही तो रन करता है। तो इसका मतलब क्या है, इसने क्या दिया, रोटर की स्पीड दी है। देखो कई बार वो बोलता है मोटर चल रही है, अरे मोटर क्या चल रही है, मोटर का रोटर चल रहा है वही तो मोटर चल रही है, अदरवाइज मोटर के अंदर स्टेटर थोड़ी चलता है। तो इसका मतलब उसने रोटर की स्पीड दी हुई है 290, जब ये 50 Hz से जुड़ी हुई है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 Hz से जुड़ी हुई है। तो पोल की संख्या बताएं और स्लिप बताएं, तो पोल की संख्या और स्लिप पूछ रहा है। अब आप एक चीज समझिए, क्वेश्चन एक बार क्लियर कर लीजिए अपने दिमाग में और फिर आप आराम से देखिए। अब देखिए बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन इसने दिया हुआ है हम लोगों को, इसने पोल की संख्या नहीं दी हुई है यहां पर, हम लोगों को इसने यहां पर पोल की संख्या नहीं दी हुई है, बट अब हमको यहां पर ऑप्शन की मदद से ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। इसने हमें पोल की संख्या नहीं दी हुई है, आप खुद सोचो, हमसे इसने पोल की संख्या दी नहीं है, पूछा तो पोल की संख्या ही है,
फ्रिक्वेंसी दी है। अब आप एक चीज देखिए, एन एस इज इक्वल्स टू 120 एफ वाई पी होता है। एफ चलो हम लोगों ने 50 लगा लिया, ठीक है। अब आप देखिए इसने क्या बोला है कि पोलों की संख्या ज्ञात करिए। अब आप एक चीज देखो, पोल की संख्या क्या होगी, 120 इंटू एफ वाई एन एस। अब हमको रोटर की जो तुल्यकालिक स्पीड है, सिंक्रोनस स्पीड है, वो भी नहीं मालूम, तो पोल निकलेगा कैसे। ऐसे क्वेश्चन में देखो कितना इसने दिमाग लगा के दिया हुआ है बेटा, आपको यही बारीक बारीक चीजों को समझना। अब ऐसे क्वेश्चन कभी जीवन में सॉल्व नहीं हो पाएंगे, इसको आपको ऑप्शन लेके ही सॉल्व करना पड़ेगा। आपको कोई एक ऐसा ऑप्शन लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं जिसमें एन एस 290 के आसपास आए, क्योंकि देखिए जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की जो स्पीड होती है वो क्या कह रहा हूं, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड एन एस होती है और रोटर की स्पीड एन आर होती है, बट इनमें जो अंतर होता है उसे स्लिप बोलते हैं। अब जो इन दोनों के अंदर अंतर होता है, जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है ये एन एस है, ये आर एम एफ घूम रहा है और ये यहां पर रोटर घूम रहा है एन आर, इनमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। जो आइडियल मोटर होती है उसमें कोई बहुत ज्यादा, आइडियल में तो जीरो स्लिप हो जाएगी, अंतर जीरो हो जाएगा। अगर ये भी 300 आरपीएम से मान लो घूम रही है तो ये भी 300 आरपीएम से घूमेगी आइडियल, बट अगर प्रैक्टिकल है तो ये 300 आरपीएम से घूम रही है तो ये लगभग 290 से घूम जाएगी। कहने का मेरा मतलब सीधा तात्पर्य है कि इनमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, मतलब जो एन आर तो इसने 290 दी है, एन एस कहीं ना कहीं एन एस तुल्यकालिक स्पीड कहीं ना कहीं 300 होनी चाहिए या इसके आसपास होनी चाहिए। तो हर एक ऑप्शन उठा के हमें देखना पड़ेगा, आसपास होनी चाहिए, प्लीज इस बात को समझना। तो ऑप्शन उठा के देखिए आप लोग, इसमें पहला ऑप्शन 16 पोल दे रखा है, दूसरा ऑप्शन 8 पोल दे रखा है, तीसरा ऑप्शन 4 पोल दे रखा है और चौथा ऑप्शन 20 पोल दे रखा है। अब आप एक चीज देखिए कहीं ना कहीं किस पोल से करीब आ रही है, मैं उठा लेता हूं अभी चौथा ऑप्शन उठा लेता हूं, चौथा ऑप्शन है 20 पोल। अभी आप एक चीज देखिए, यहां पर मैं पोल की संख्या 20 रख दूं तो ये लगभग 300 आरपीएम आएगा, सबसे करीब यही आएगी। इसका मतलब ये ऑप्शन को सही मान के हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। मैं इस बात को रिपीट कर देता हूं, जो सिंक्रोनस स्पीड है आरएमएफ की, तुल्यकालिक स्पीड है, वो कहीं ना कहीं उसी के करीब रोटर की स्पीड होती है। तो हमें एक ऐसा पोल की संख्या लेनी पड़ेगी ऑप्शन से जो कहीं ना कहीं उसी के करीब ला रही हो। अगर आप 16 लेंगे, 8 लेंगे, 4 लेंगे तो ये बहुत डिफरेंस आ जाएगा 290 और इसमें, तो हमने 20 लेंगे तो वो आ जाएगा, क्लियर है। अब देखिए आंसर तो हमारा इतने में ही निकल गया है, बट फिर भी हम लोगों को उसने क्या पूछा है, स्लिप पूछा है, तो स्लिप निकाल देते हैं। स्लिप क्या होती है, स्लिप होती है एन एस माइनस एन आर अपॉन एन एस। तो हमारी तुल्यकालिक स्पीड या सिंक्रोनस स्पीड क्या है, 390/300, तो ये हो गया 10/300, 3.33। अगर हम इसे परसेंटेज में लिख दें तो ये यहाँ परसेंटेज में 100 लगा दीजिएगा, बस इतना अंतर है, क्योंकि इसने ऑप्शन में 100 दिया हुआ है ना, परसेंटेज में 100 लगा दीजिए। तो यहाँ आपकी स्लिप निकल गई, ये आपका 4 क्वेश्चन इस तरीके से पूरे हो गए इंडक्शन मशीन के। बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे इस वाले टॉपिक से क्वेश्चंस, ठीक है। अभी देखिए यहाँ एक बात थी, ये चीज़ समझने वाली थी, तो ये चीज़ समझिए कि किस तरीके से पेपर में आसान सवाल में भी वो क्या घुमा सकता है। तो इस बात को आप लोगों को समझना पड़ेगा। होपफुली लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।